नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहे चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज में अपन 13 पार्ट देख चुके हैं, अपन चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 14 देखेंगे। और दोस्तों पार्ट 14 में इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन इतना बड़ा है और इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों अपन किस तरीके से करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में सीजीएल सीडीए एनडीए इस प्रकार की इंडियन कोस्ट गार्ड में भी क्वेश्चन 2018 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन अपना किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 320 तथा 2000 है, तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अपन इसको बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आज के बाद एग्जाम में ना तो गलत होंगे और ना ही इसी प्रकार के एग्जाम में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रही नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष, क्रमशः का मतलब होता है दोस्तों लगातार, यानी कि दूसरे वर्ष का 320 है और चौथे वर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों दूसरे और चौथे वर्ष का, यानी कि तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे तथा चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 320 तथा 2000 है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए उसके बाद क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि सेकेंड ईयर का सीआई यहां से है अपना 320, यानी कि दोस्तों सेकेंड ईयर का सीआई अपन को 320 दे रखा है और थर्ड वर्ष का सीआई अपन से पूछ रहे हैं, थर्ड वर्ष का सीआई अपन से पूछ रहे हैं और चौथे वर्ष का सीआई अपन को दे रखा है दोस्तों 2000। यानी कि दोस्तों अपन से क्वेश्चन कह रहे हैं दूसरे वर्ष का सीआई, यानी कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 300 वास्तव है, चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2000 है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। दोस्तों बार बार कह रहा हूं बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन को अपन इतने बेहतर ढंग से करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में चाहे पहले वर्ष का पूछे चाहे दूसरे वर्ष का पूछे आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है तीसरे वर्ष का सीआई यानी कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, रूट में सेकेंड वर्ष का सीआई दिया गया और फोर्थ वर्ष का सीआई दिया गया है, तो अपन रूट में सेकेंड वर्ष का सीआई 320 इंटू अपन करेंगे चौथे वर्ष का सीआई 2000। तो दोस्तों जब इसको गुणा करेंगे अपन, तो यहां से गुणा करेंगे 320 इंटू 2000 गुणा करेंगे, तो यहां से अपना निकल के आएगा इसका जो रूट निकालेंगे यहां से निकल के आएगा 64, 30 ये और दोस्तों 10 यानी कि 64 के अपन 40। तो दोस्तों जब अपन इसका रूट निकालेंगे यहां से, तो 64 का 8 और 20 से 20 काटेंगे अपन, तो यहां इसका उत्तर आएगा यहां से तीसरे वर्ष का सीआई निकल के आएगा 800। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दूसरे वर्ष का सीआई 320 है तथा चौथे वर्ष का सीआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज 2000 है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। कहने का मतलब अपन को दूसरे वर्ष का सीआई दी गया है, चौथे वर्ष का सीआई दी है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन देंगे, अपन को दूसरे वर्ष का सीआई दिया होगा और चौथे वर्ष का सीआई दिया होगा, और अपन से तीसरे वर्ष का पूछ सकते हैं, पहले वर्ष का भी पूछ सकते हैं। अपन इस प्रकार के क्वेश्चन में रूट में जब अपन को सीआई चक्रवर्ती ब्याज दिया होगा, अपन ने चक्रवर्ती ब्याज दोनों को गुणा किया 320 इंटू 2000 किया, तो यहां से अपना रूट में आया 6,40,000। अपन इसका इस रूट निकालेंगे यानी कि 64 का 8 दोस्तों और 20 अपन रूट निकालने के लिए खत्म हो जाएगी, तो यहां से अपना चक्रवर्ती ब्याज तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकल के आया, यानी कि अपना थर्ड वर्ष का सीआई निकल के आया यहां से दोस्तों 800। दोस्तों बार बार फिर कह रहा हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके अब तक 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, संख्या भी चेंज नहीं हुई है, जैसा का तैसा हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको संख्या भी चेंज हो जाए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तरीका आपके पास सॉल्यूशन का। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है अपना 8000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 8000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में
कि ब्याज की दर से कितने समय में 9261 रुपए हो जाएगी। यानी कि दोस्तों अपना क्वेश्चन कह रहा है 8000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 9261 रुपए हो जाएगी। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में अपन से यहां से समय पूछा गया है, यानी कि टी निकालना है। तो यहां से अपन को दर दे रखी है 10%, यानी कि दोस्तों यहां से अपन को दर दे रखी है 10%। और मैं आपको बार बार फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट से बता चुका हूं और अपना 14वां पार्ट चल रहा है और मैं आपको बार बार कह रहा हूं चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, मूलधन अनुपात मिश्रधन होता है। दोस्तों कहने का मतलब अपन मिश्रधन यानी कि मूलधन अनुपात मिश्रधन, यानी कि अपना चक्रवर्ती ब्याज होता है मूलधन अनुपात मिश्रधन। जब अपन इसको बटे में लिखेंगे तो अपना ये होगा मिश्रधन अनुपात मिश्रधन बटे मूलधन। यानी कि दोस्तों यहां से अपना मिश्रधन दिया गया 9261 और अपना मूलधन दिया गया यहां से 8000, तो अपन यहां पर रखेंगे 9261 बटे 8000। अब दोस्तों अगली शर्त अपनी क्या होती है, क्योंकि अपन से पूछ रहे दर अपन को 10% दिया गया है, तो अपन दर 10% दिया गया तो अपन इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहां से अपन देखेंगे 8000 किसका स्क्वायर होता है दोस्त, किसका क्यूब होता है दोस्तों 20 का, और 9261 किसका होता है दोस्तों 21 का। यानी कि कहने का मतलब अपन इसको सोल्व करेंगे 21/20 और जिसकी पावर आ रही है 3, यानी कि मैं आपको बता चुका हूं उस कंडीशन में जब समय 3 वर्ष होगा तो अपनी पावर क्यूब में होगी और समय 2 वर्ष होगा तो अपनी पावर स्क्वायर में होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जब अपन ने सॉल्यूशन किया इसका, तो इसकी पावर यानी कि घात इसकी 3 आ रही है, तो यहां से अपना समय निकल के आएगा टी बराबर 3 वर्ष। यानी कि दोस्तों अगर यही अपनी पावर 2 निकल के आती तो यहां से अपना समय 2 वर्ष आता और अपन को समय दिया होता और इसकी पावर निकलवानी होती यानी 3 आती, तो अपन इसको भी इस प्रकार सॉल्व किया। अपन ने देखा चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है दोस्तों, मूलधन अनुपात मिश्रधन होता है, तो इसको अपन बटे में रखेंगे तो मिश्रधन अनुपात मूलधन मिश्रधन अपना 9261 दिया गया, मूलधन 8000 दिया गया। तो दोस्तों जब अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अपन देखेंगे 9261 21 का क्यूब और 8000 20 का क्यूब है, यानी कि यहां पर जो 3 पावर आ रही है तो अपन यहां से समय निकल के आएगा दोस्तों 3 ईयर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आज अपना चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट हो जाएगा, कल आप बता देना कमेंट बॉक्स में कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करनी है। और चक्रवर्ती ब्याज में अपन लगभग 14वां पार्ट अपना चल रहा है, लगभग 70-80 क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से नहीं छोड़ा है, फिर भी आपको लग रहा है रह गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। और दोस्तों आज वही क्वेश्चन है जो कमेंट्स बॉक्स में आए थे, उन्हीं का 14 पार्ट चल रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना 8000 की राशि 2 वर्ष में कितने प्रतिशत 8000 की राशि 2 वर्ष में कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8820 रुपए हो जाएगी। यानी कि दोस्तों अब की बार अपन से दर पूछिए, पिछले क्वेश्चन में अपन से टाइम पूछा था, दोस्तों अपन से कुछ भी पूछिए अपना तरीका एक ही रहेगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज मूलधन अनुपात मिश्रधन होता है। उसी फॉर्मेट से अपन फर्स्ट पार्ट से करते हैं, अगर इंट्रोडक्शन में भी बता चुका था मैं आपको और यह भी कह चुका था कि इंट्रोडक्शन में आपको क्यूब और रूट याद होने चाहिए अगर चक्रवर्ती ब्याज को सिंपल करने होंगे। तो दोस्तों आपके कमेंट्स बॉक्स में उत्तर आ रहे थे कि सर हमने स्क्वायर और रूट याद कर ली। तो दोस्तों बढ़ते इस क्वेश्चन की ओर, तो यहां से अपन को समय दिया गया 2 वर्ष, यानी कि दोस्तों अपन को यहां से समय दिया गया है 2 वर्ष और अपन से कह रहा है कि 8000 की राशि यानी कि मूलधन 8000 और अपना मिश्रधन 8820 है, समय 2 वर्ष है, तो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से दर पहुंची गई है। तो बढ़ते हैं अपने यानी कि मिश्रधन बटे मूलधन, यानी कि मिश्रधन बटे मूलधन, यानी कि दोस्तों 8820 बटे 8000। तो दोस्तों अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 10 से 10 खत्म करेंगे, यह बचेगा अपना 441/400।
यानी कि दोस्तों यह बचा अपना 441/400 और समय अपन को 2 वर्ष दिया गया है, तो उस कंडीशन में अपन सोचेंगे कि 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का और 400 किसका होता है 20 का, क्योंकि दोस्तों समय 2 वर्ष दिया गया था इसलिए अपन स्क्वायर सोचा। कहने का मतलब कोई धनराशि 20 से 21 हो रही है यानी कि 20 पर 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है यानी कि 21, तो दोस्तों अपन यहां से दर निकालेंगे तो आर बराबर अपन देखेंगे यहां पर 1 रुपया ब्याज का बढ़ रहा है 20 पर इंटू दर निकालने के लिए 100 करेंगे तो दोस्तों यहां से अपनी दर निकल के आएगी 5%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहे 8,000 की राशि पर 2 वर्ष में कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से धनराशि 8,820 रुपए हो जाएगी, यानी कि अपना मूलधन 8,000 दिया गया, मिश्रधन 8,820 दिया गया और दोस्तों समय 2 वर्ष दिया गया और अपन से दर पूछा है। दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं। अपना चक्रवर्ती ब्याज होता है मिश्रधन बट्टे मूलधन, यानी कि मूलधन अनुपात मिश्रधन कह सकते हैं, क्योंकि जब इसको बट्टे में लेंगे तो मूलधन इसके नीचे आएगा, यानी कि 8,820 अपना मिश्रधन दिया गया और 8,000 अपना मूलधन दिया गया। दोस्तों अपन जब इसको सोल्व करेंगे, अपन 1 0 से 1 0 खत्म की और 2 से डिवाइड किया इसको, तो यह आया यहाँ से 441 और 800 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ आया 400। अपन देखेंगे अपने यहाँ से आ रहा है सोल्यूशन 441/400। अपन सोचेंगे क्योंकि समय 2 वर्ष दिया गया, यानी कि 441 इसका स्क्वायर होता है दोस्तों 21 का और 400 इसका स्क्वायर होता है 20 का, यानी कि दोस्तों 20 पर 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है। दोस्तों अपन ने देखा दर निकालने के लिए 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है, किस पर मिल रहा है दोस्तों 1 रुपया ब्याज का 20 पर। दर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपन 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से अपनी दर निकल गई 5%। दोस्तों अपन ने 14 पार्ट चक्रवर्ती ब्याज के देख चुके हैं, लगभग लगभग 70-80 क्वेश्चन, यानी कि अपन 80 से 85 क्वेश्चन कर चुके हैं। हर क्वेश्चन को अपन ने टाइप बाई टाइप क्वेश्चन किया है, हर क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से देखा है। दोस्तों फिर भी आपको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन सर हमको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, अपन उसका अलग से पार्ट बनाएंगे। और दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। वैसे तो अपन ने 14 पार्ट देख चुके हैं, किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहा है और आपको इसके बाद जो प्रश्नावली स्टार्ट करनी है उसको दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में डालिए कि हमको सर ये प्रश्नावली चाहिए, तो उसी प्रश्नावली का अपन करेंगे। और दोस्तों कोविड-19 के चलते अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि एग्जाम रेलवे का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों कल मैं नोटिफिकेशन एक वीडियो भी डाल दी थी कब होगी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम, तो उसको आप अवश्य देखें। और दोस्तों प्लेलिस्ट अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की और साइंस की, वहां जाकर वीडियो देख ले। और दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।